नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ पाक विधि में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना एकदम आसान है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कटोरी गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आटा को छान कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को बढ़िया से गूँथ लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पास बचा हुआ आटा है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़िया से आटा को मसल कर गूँथ लेंगे। तो देखिए, हमने आटा गूँथ लिए हैं। अब इसमें से थोड़ा सा आटा इस तरह से निकाल लेंगे। अब आटा को छोटा छोटा लोहिया में तोड़ लेंगे। अब एक छोटा सा लोहिया लेंगे और इसको पेड़ा की तरह बना लेंगे। तो बाकी का बचा हुआ इसी तरह से बना करके रख लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे और इसमें बढ़िया से सूखा आटा लपटेंगे और इसको बेलेंगे। तो जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं, बस इसको उतना ही बेलना है। तो देखिए, हमने इसको इतना मोटा रखे हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक और पूरी बेल करके दिखाती हूँ। तो इसको सभी तरफ से बढ़िया से बेलेंगे, ताकि ये सभी तरफ बराबर से बेला जाए। तो देखिए, हमने सब चारों ही पूरियाँ बेल करके रख लिए हैं। तो हमने सभी पूरी एक ही साइज का बेल कर तैयार किए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो चलिए, अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी को गर्म होने के लिए रख दी थी। तो पानी बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें एक एक करके पूरी डाल देंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, पूरी आपस में नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने इसको गर्म पानी में डाले हैं। तो एक के ऊपर एक डाल देंगे। डालने के थोड़ा देर बाद इसको इस तरह से चला देंगे। तो देखिए, पूरी आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो इसको इस तरह से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। तो देखिए, ये बढ़िया से अब उबलने लगा है। तो इसी तरह से 2-3 उबाल बढ़िया से आने देंगे और इसको बीच बीच में इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड पलटाते रहेंगे। तो देखिए, ये बढ़िया से पक गया है। अब इसको निकाल लेंगे। जब ये बढ़िया से पक जाता है तो बहुत ज़्यादा फिसलता है। जब आप इसको कलछी पे उठाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा फिसलने लगेगा। तो इसका मतलब ये बढ़िया से पक गया है। अब सभी को निकाल कर एक प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने इसको इस तरह से फैला दिए हैं। अब एक ये बढ़िया से ठंडा हो गया है। अब एक पूड़ी लेंगे और इसको इस तरह से काटेंगे। तो इसको आप अपने हिसाब से पतला या मोटा साइज में कट कर सकते हैं। तो इसको लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए, हमने सभी को काट लिया है और बाकी का बचा हुआ पूरी इसी तरह से काट लेंगे। तो देखिए, ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब इसे उठाकर एक प्लेट में रख लेंगे। तो चलिए, अब हम फटाफट से गैस की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दी थी। तो तेल बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक कट करके, और साथ में डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से बारीक चॉप करके। अब प्याज को बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे और इसको हल्का पका लेंगे। तो प्याज हल्का पक गया है। अब इसमें ये कटा हुआ लच्छा डाल देंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते रहेंगे। तो ये हल्का भून गया है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और मैं इसे तीखा बनाने के लिए डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर तीखा आपको पसंद ना हो तो लाल मिर्च पाउडर हटा भी सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। अब इस सभी मसाला को बढ़िया से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब नमक को भी बढ़िया से मिला देंगे। अब लास्ट में डालेंगे गरम मसाला। आप इसके जगह चाट मसाला, पास्ता मसाला, मैगी मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये अब अच्छे से भून गया है। इसको निकाल लेंगे। इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, आज का हमारा गेहूँ आटा का नूडल्स बनकर तैयार है। अब आप इसमें अपने मनपसंद चटनी मिलाइए और इसे मज़े से खाइए, और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज का रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा।